मौसम, और आज मौसम थोड़ा अच्छा था तो इसलिए दोस्त के साथ निकल पड़ा हूँ घूमने। और ये मेरा दोस्त हीरम, ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा न्यू टाउन घूम रहे हैं। और न्यू टाउन का कुछ ऐसा आपको एनवायरनमेंट कैसा होता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं काम के लिए, तो वो लोग देखते हैं कि कैसा है सिटी, सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो न्यू टाउन के ऊपर है, ठीक है, और मैं रहता हूँ किश्तपुर में, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है न्यू टाउन, तो यहाँ से मैं जाऊँगा अभी आगे तरफ, विश्व बंगला तरफ, और चलते हैं और आपको दिखाते हैं वीडियो आगे, देखते रहिए गाइस। अभी हम है विश्व बंगला के सामने, और ये कुछ है यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स कह सकते हैं, तनिष्क है, शॉपर्स शॉप है, और आगे क्रोमा वगैरह है। और ये जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर, ये है न्यू गोरिया टू एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट, जो कि अभी बन रहा है, अभी तक रेडी नहीं हुआ है। दिस इज रियल न्यू टाउन गाइस, रियल कोलकाता ये है, ठीक है, और ये एक स्मार्ट सिटी के तौर पे ये उभरने वाला है ये जगह। सो ये टोटली वर्ल्ड प्लान्ड सिटी है एक। सो आगे है विश्व बंगला, जा रहे हैं आगे, और आगे एक नाइजीरियन भाई है ये साइड। क्या बोला सुना मैं, वहाँ पे एक नाइजीरियन है, तो मैं बोल रहा आगे एक नाइजीरियन भाई भी है आगे में। केशवपुर थागदड़ी साइड में ज़्यादा रहते हैं वो लोग, थागदड़ी यहाँ पे मैं रहता था पहले। सो आगे देख सकते हैं ये है विश्व बंगला। हाँ ये क्या है भाई, मैरिज हॉल, ये शायद मैरिज हॉल वगैरह है, कम्युनिटी हॉल जिसको बोलते हैं। सो फाइनली वी आर इन विश्व बंगला राइट नाउ, और ऐसा है कुछ वेदर यहाँ का। सो वो जो आप देख रहे हैं आगे में फ्लाईओवर के उस पार, वो है विश्व बांग्ला कन्वर्जन सेंटर, जहाँ पे ममता बनर्जी जी आती है मीटिंग वगैरह करने। यहाँ से शायद नहीं दिख रहा है, अच्छा इसमें हुआ था G20 समिट हुआ था इसमें। तो ये फाइनली कुछ न्यू टाउन का एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये है मिरर हाउस आगे में, और इसको रेनोवेट किया गया है, यहाँ पे बहुत कुछ लगाया गया है। सो आगे का कुछ और क्लिप्स मैं आपको देता हूँ आगे जाकर, ठीक है, देखते रहिए वीडियो गाइस। तो यहाँ कुछ हम लोग फ़ोटो शोटो लेने जा रहे हैं, अभी फ़ोटो शोटो हीरा भाई का फ़ोटो लेंगे, इसका नाम हीरा है, तो हीरा का फ़ोटो लिया जाएगा। सो ये हम लोग अभी हैं मिरर हाउस के पास, ये है मिरर हाउस, तो वहाँ पे जगह खाली नहीं मिला बैठने के लिए, तो हम लोग अभी पीछे तरफ आ रहे हैं। सो ये कुछ यहाँ पे जगह बनाया जा रहा है, अभी तक बना नहीं है, शायद यहाँ पे क्लॉक टावर बनेगा या फिर वाटरफॉल टाइप का कुछ बनेगा यहाँ पे। सो गाइस आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे हूँ मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ, कोई हंसना नहीं, ठीक है। और मेरा दोस्त आगे इधर बैठ चुका है, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यूज आता है यहाँ पे नज़ारा। सो यहाँ कुछ फ़ोटो शोटो लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर
चलते आगे कहीं पे। और ये है कुछ ऐसा वेदर। तो ये है विश्व बंगला गाइस, और हम लोग जा रहे हैं अभी उस तरफ विश्व बंगला का स्मार्ट प्लाजा जो देख रहे हैं यहाँ पे आगे आप। गाइस हम लोग आ चुके हैं ये तरफ और जा रहे हैं हम लोग स्मार्ट प्लाजा, एक पार्क है यहाँ पे। सो हम लोग थे उस पार विश्व बंगला के, और अभी हम लोग इधर हैं। अबे आगे स्मार्ट स्ट्रीट अच्छी आ गया। ये कुछ पार्क यहाँ का ऐसा। स्मार्ट प्लाजा अच्छे तो बहुत अच्छा जाएगा। हम लोग पार्क आए हैं अभी, तो पार्क में हम लोग बैठेंगे यहाँ पे कहीं पे विश्व बंगला के यहाँ पे। ठीक, नहीं नहीं यहाँ फोटो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इतना बढ़िया है, ये है न्यू टाउन गाइस, ये है असली कोलकाता। कुछ फोटोज वोटोज ले लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे का आपको दिखाता हूँ। फोटोशूट हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। वीडियो के लिए इतना ही आज के लिए, फिर न्यू टाउन का दूसरी तरफ मैं आप लोग को दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।